हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो आज हम नया टॉपिक करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो कल एक्सरसाइजेस मैंने आपको फिनिश करवा दी थी, तो आज हम पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है, थ्योरेटिकली। फिर हम जब एक्सरसाइजेस पे आएंगे फिर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे पूरी अटेंशन आपकी यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स क्या है? सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री with one another. Subjects and verbs must agree with one another in number singular or plural, ठीक है। Thus, if a subject is singular, subject verb agreement क्या है? Subjects and verbs must agree with one another in number singular and plural. Thus, if a subject is singular, अगर कोई subject है वो singular है, ठीक है, then its verb must be singular, ठीक है, समझ आई? And if a subject is plural, अगर subject plural है तो its verb must be plural, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। Thus, if a subject is singular, ठीक है, its verb must also be singular. And if a subject is plural, its verb must also be plural, ठीक है। क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स जो है वो उनको एक दूसरे के साथ एग्री करना होता है इन नंबर, यानी सिंगुलर और प्लूरल। दस इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा। एंड इफ ए सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल ही होगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, द डॉग ग्राउल्स when he is angry. क्या है एग्जाम्पल? The dog growls when he is angry. तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? देखो ये एग्जाम्पल है, बड़ी ध्यान से देखना। The dog growls when he is angry. Dog कब growl करता है? जब उसको गुस्सा आता है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास डॉग, ठीक है। ये डॉग क्या है? ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, डॉग। हम डॉग्स की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डॉग्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन डॉग। एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो ये क्या है? समझ आ गई? सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो ये क्या है हमारा? इज क्या है? इज हमारा वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आया तो वर्ब क्या आया? वर्ब भी सिंगुलर ही आया। तो आप लोगों को समझ आ गई ये बात? यही चीज मैंने ऊपर लिखी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो जब मैं एक्सरसाइजेस करवाऊंगी तो ये चीजें आपको काम आएंगी,
ठीक है, इसे ध्यान से देखो इनको। द डॉग ग्राउल्स व्हेन ही इज एंग्री। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो डॉग है और वो सिंगुलर है। यहाँ पर इज जो है वो हमारा वर्ब है और वो भी सिंगुलर है। तो यानी इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं इसी का देखती हूँ कि अगर प्लूरल हो तो कैसे। द डॉग्स ग्राउल व्हेन दे आर एंग्री। द डॉग्स ग्राउल व्हेन दे आर एंग्री। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास डॉग्स। क्या है? ये है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? प्लूरल है या सिंगुलर है? अब हम डॉग की नहीं, अब हम डॉग्स की बात कर रहे हैं। जब हम डॉग्स की बात कर रहे हैं इट मींस अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये हमारे पास वर्ब है आर। ठीक है, ये हमारा वर्ब है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। गॉट इट? समझ आ गई इस चीज की? ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपको टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, चलो आगे। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, इनको करवाते करवाते काफी दिन लग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके रूल समझेंगे। ठीक है, रूल वन। ठीक है, आज मैं रूल वन करवाती हूँ। व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड By and, क्या है कि एक सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है एंड के साथ। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी है। ठीक है, और क्या होता है? एंड इज ज्वाइन बाय एंड। ठीक है, इज ज्वाइन बाय एंड, ये तो एंड के साथ ज्वाइन कर रही है, दूसरा एंड में लगा रही हूं। एंड द आर्टिकल इज प्लेस्ड, अभी मैं समझाऊंगी आप लोगों को। एंड द आर्टिकल इज प्लेस्ड या यूज्ड, यूज्ड लिख लो। एंड द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, एंड द आर्टिकल इज यूज्ड, एंड द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट। और आर्टिकल को सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले ही यूज किया जाता है। ठीक है, देन दैट सब्जेक्ट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन आर थिंग। देन दैट सब्जेक्ट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन आर थिंग। ठीक है, देन दैट सब्जेक्ट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन आर थिंग। सो सिंगुलर वर्ब बी यूज्ड, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ठीक है, इन दैट केस। तो मैं आपको बताती हूं पहले। ठीक है, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब अपॉन सिंगुलर।
पास ये क्या कह रहा है, कहते हैं बेन इन ए सेंटेंस। अच्छा तो पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू मुंबई। देखो रूल फर्स्ट, ध्यान से समझना रूल फर्स्ट को। रूल फर्स्ट क्या है, व्हेन इन ए सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में, एक मिनट, रूल फर्स्ट क्या है, व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। जब किसी भी सेंटेंस में, देखते रहना ब्लैकबोर्ड की तरफ, व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, टू सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया जाता है। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिखी, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी टू सब्जेक्ट हमारे पास कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक चीफ मिनिस्टर, ये क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, गॉट इट। ये है सेकंड सब्जेक्ट, ये क्या है सेकंड सब्जेक्ट। अब कह रहे हैं व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दो सब्जेक्ट्स को जब एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है। देखो दो सब्जेक्ट्स है ना, ये दो सब्जेक्ट्स, टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, दीज आर जॉइंड, ये टू सब्जेक्ट्स हैं। इनको किसके साथ ज्वाइन किया गया है, एंड के साथ, किसके साथ, ये है जॉइंड, जॉइंड बाय एंड, जॉइंड बाय एंड, इसने ज्वाइन किया है इन दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये चीज आपने फॉलो कर ली, व्हेन इन ए सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दो सब्जेक्ट्स को एंड से जॉइन किया गया है, एंड द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, आर्टिकल को किस सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे लगाया गया है। देख लो यहां पर दो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सेकेंड सब्जेक्ट है, क्या इसके आगे आर्टिकल है, नहीं है। देखो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा चीफ मिनिस्टर, इससे पहले आर्टिकल है ना, डा लगा है, तो ये आर्टिकल लगा है, ये क्या है आर्टिकल। रूल बड़ी ध्यान से समझना आप लोग, ये रूल्स आपको आगे हर जगह काम आएंगे, सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही भी लाइफ भर आपको ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये बेटा ये क्या है, दो सब्जेक्ट से चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इनको एंड ने जोड़ा है, लेकिन जो आर्टिकल है वो सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले ही लगा है, ठीक है। ये जो सेकंड सब्जेक्ट है इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। तो कहता है इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन दैट सब्जेक्ट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन आर थिंग, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन दैट केस। तो इस केस में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने वर्ब को सिंगुलर लगाना है। देखो वर्ब लगाना सिंगुलर इज, ठीक है, समझ आ गई। ये याद रखना जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे और आर्टिकल जो है वो सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले लगा होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, याद रखना, एक्सरसाइजेस में ये चीजें बहुत काम आएंगी, ठीक है। समझ गई इस चीज को, फॉलो कर ली आप लोगों ने मैंने क्या समझाया है, ठीक है, शाबाश, समझ गए। अब मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज अराइव्ड, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज अराइव्ड, ठीक है। तो ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ली है, दो सब्जेक्ट्स हैं,
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये क्या है? टू सब्जेक्ट्स। ज्वाइन किससे हो रहे हैं? एंड से, ये ज्वाइनिंग वर्ड है। ये क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। आर्टिकल किसके आगे लगा है? आर्टिकल लगा है सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे क्या लगा है? आर्टिकल। आर्टिकल लगा है फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे, तो हमारा जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर। तो ये हमारा वर्ब लगा है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। आगे समझ आप लोगों को, रूल फर्स्ट समझ आया? देखो इसको, शाबाश, अच्छी तरह फॉलो करो। समझ आ गई ना यहां तक? ये रूल फर्स्ट ही भी मैं करवा रही हूं, ठीक है। सेकंड पे नहीं चली मैं, सेकंड तो बड़ी दूर है अभी। रूल फर्स्ट में अब मैं आपको और चीज समझाऊंगी। एक तो ये आ गया रूल फर्स्ट में, ये अभी रूल वन ही चल रहा है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि आर्टिकल जो है वो एक के फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले लगेगा, ठीक है। अब मैं दूसरा केस आपको बता रही हूं, ठीक है। अब दूसरा रूल वन के भी नहीं आ रहा है ये। इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है, एंड द आर्टिकल, और जो आर्टिकल है इज प्लेस्ड एंड द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बोथ द सब्जेक्ट्स। अब पहले आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट के आगे लगा था, लेकिन यहां मैं बता रही हूं आप लोगों को कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है, बाय एंड, ठीक है, एंड द आर्टिकल इज यूज बिफोर बोथ द सब्जेक्ट्स, और आर्टिकल जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स के आगे लगा हुआ होता है, तब क्या होगा? वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है, बिफोर बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन एंड द प्लूरल वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस, ठीक है। देन प्लूरल वर्ब is used in the sentence, ठीक है। तो सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज हो जाएगा? प्लूरल वर्ब। मैं बताती हूं आपको एग्जाम्पल देके, ठीक है। द म्यूजिशियंस एंड द सिंगर, ठीक है, एग्जाम्पल, द म्यूजिशियन, क्या? द म्यूजिशियन एंड द सिंगर, क्या है? द म्यूजिशियन एंड द सिंगर हैव अराइव्ड इन ए, हैव डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, हैव डाइड कार एक्सीडेंट। तो क्या है हमारा सेंटेंस? द म्यूजिशियन एंड द सिंगर हैव डाइड इन ए कार एक्सीडेंट। देख लो, आप लोगों को अब ये डाउट होता है ना कि हमने कहां सिंगुलर वर्ब लगाना है, कहां प्लूरल। मैंने बता दिया कि अगर आर्टिकल एक के आगे लगा होगा तो सिंगुलर वर्ब। यहां देखो, यहां ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, म्यूजिशियन और सिंगर, बोथ आर सब्जेक्ट्स, ये टू सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन किसने किया है? एंड ने। ये क्या है? ये ज्वाइनर है, ठीक है, ज्वाइंड बाई एंड, एंड से ज्वाइन हुए, ठीक है। आर्टिकल देखो, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, बोथ दीज आर आर्टिकल्स। ये क्या है हमारे पास? आर्टिकल। फर्स्ट के आगे भी आर्टिकल लगा है, सेकंड सिंगर के आगे भी आर्टिकल लगा है।
तो जब दोनों के आगे आर्टिकल लगा होगा तो वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। हमें कौन सा यूज करना है? वर्ब प्लूरल। वर्ब जो है ये हमारा प्लूरल होगा। गॉट इट? समझ आ गई? अभी ये रूल्स बहुत सारे हैं, काफी दिन लगेंगे इनको समझने में, लेकिन अच्छी तरह दिमाग में डाल लो ताकि मुश्किल ना आए। ठीक है, यहां समझ आई? चलो अब थर्ड है, व्हेन टू नाउन्स आर प्रोनाउंस्ड। चलो ये इसमें मैं बता देती हूँ आपको आगे, ये भी समझ गए आप। ये फर्स्ट रूल के अंडर ही मैं समझा रही हूँ, फर्स्ट रूल ही समझा रही हूँ आज मैं, सेकंड कल समझाऊंगी, पहले फर्स्ट समझ लो अच्छी तरह। ठीक है, तो चलो इसमें आ गया, व्हेन टू नाउन्स आर प्रोनाउंस आर कनेक्टेड। क्या है? व्हेन टू नाउन्स आर प्रोनाउंस आर, व्हेन टू नाउन्स आर प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद, आर कनेक्टेड when two nouns or pronouns are connected with and are connected with, ठीक है, when two nouns or pronouns are connected with and, ठीक है, they refer to a person or thing or any collective idea, they refer to a person or a thing they refer to a person or a thing or any collective idea or any collective idea then singular helping verb is used, then singular helping verb, then singular helping verb is used। ठीक है, then singular helping verb is used। ठीक है, then singular helping verb is used। noun pronoun प्लस एंड, क्या है? नाउन प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्रोनाउन, एग्जाम्पल ले लो। अब इसमें क्या बता रहे हैं? कहते हैं व्हेन टू नाउन्स आर प्रोनाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, जब दो नाउन्स या प्रोनाउन्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं एंड के साथ, ठीक है, एंड दे रेफर टू ए पर्सन आर ए थिंग आर एनी कलेक्टिव आइडिया, ठीक है, देन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। अब देखो यहाँ पर टू नाउन्स है, कास्ट और क्रीड, कास्ट एंड क्रीड बोथ आर क्या है यहाँ पर? टू नाउन्स है, ठीक है, दो नाउन्स है, और कहते हैं अगर वो किसको बताते हैं? एनी कलेक्टिव, यहाँ ये किसको बता रहे हैं? कलेक्टिव आइडिया। कलेक्टिव आइडिया मीन्स कॉस्ट एंड क्रीड किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक की प्रॉब्लम है। कहते हैं कॉस्ट एंड क्रीड इज ए मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये क्या है? ये कलेक्टिव आइडिया को बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आया हमारा।
समझ आ गई, इस चीज को फॉलो किया, ठीक है। तो ये था हमारा रूल वन, ये रूल वन आज मैंने समझा दिया है, कल मैं रूल सेकंड समझाऊंगी। थैंक यू।